अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवाणी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर ग्रेजुएशन। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर की फर्स्ट बुक अलजेब्रा, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा है ग्रुप। तो इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट हम कम्प्लीट कर चुके थे, एक्सरसाइज सेकेंड भी आपकी कम्प्लीट होने वाली थी। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने आपका कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जिसके बाद में ये वाला जो टॉपिक है आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे परमुटेशंस, इसी चैप्टर का जो कि न्यू टॉपिक है। तो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे, शो दैट द सेट G इज इक्वल्स टू दिस, वेयर ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो आपको शो करके दिखाना है कि जो सेट आपको गिवन है, जहाँ पर ओमेगा क्या है, इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इज अ ग्रुप, ये क्या बना रहा है, सेट ग्रुप बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे क्या गिवन है आपको, मल्टीप्लीकेशन गिवन है। अब आप सभी को ये बात पता होगी क्या कि इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अकॉर्डिंग ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको ना ही तो ये दिया हुआ है कि फाइनाइट ग्रुप है, ना ही ये दिया हुआ है कि इनफाइनाइट ग्रुप है, कुछ भी नहीं। अगर आप इस सेट को देखो G इज इक्वल्स टू दिस, तो इसमें जो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है वो कैसे है, फाइनाइट है। क्यों है, क्योंकि इनको आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। अगर किसी भी सेट में जो एलिमेंट्स आपको गिवन है उनको अगर आप काउंट कर पा रहे हो, तो इट मीन्स वो कैसा बन रहा है, फाइनाइट सेट बन रहा है, जिसके अंदर एलिमेंट आपको क्या गिवन है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, 3 एलिमेंट्स है, काउंट हो रहे हैं। तो इट मीन्स ये क्या है, फाइनाइट सेट। और फाइनाइट सेट के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हम क्या बनाएंगे, कंपोजिशन टेबल बनाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो 4 प्रॉपर्टीज हैं, अगर आपको ओनली ग्रुप कह रहा है कि ग्रुप शो करके दिखाइए, तो जो 4 प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एंड फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और जबकि हम कंपोजिशन टेबल बनाएंगे, तो इस कंडीशन में हम कौन कौन सी यूज करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दोनों तो आपकी सेम ही रहेंगी। उसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आपको पता है अगर हम फाइनाइट सेट का यूज करें, तो उस कंडीशन में हम क्या लेते हैं, कंडीशन लेते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी, और फोर्थ प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स। ठीक है, तो ये चारों प्रॉपर्टीज हमें सेटिस्फाई करनी है। अगर यहाँ पे आपसे बोलता क्या ग्रुप की जगह अगर आपसे क्या कहता है, एबिलियन ग्रुप शो करके दिखाइए, तो हम फिफ्थ प्रॉपर्टी यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी शो करके दिखाते। और अगर आपसे इनकेस क्या पूछ रहा है कि ग्रुप शो करिए, तो आपको ओनली 4 ही प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर्टी शो करने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनानी होगी, कंपोजिशन टेबल। सो सॉल्यूशन करेंगे, कंपोजिशन टेबल बनाइए। बाइनरी ऑपरेशन आपको क्या गिवन है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे जो भी आपको गिवन है वो लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और एलिमेंट्स क्या गिवन है आपको, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में हम क्या करते हैं, रो के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके कॉलम के एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से देखिए, अगर आप 1 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 1, उसके बाद में 1 की ओमेगा में मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा, 1 की ओमेगा स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली ओमेगा की 1 में करोगे तो ओमेगा, ओमेगा की ओमेगा में करोगे ओमेगा स्क्वायर, इसकी इसमें करोगे कितना हो जाएगा, ओमेगा क्यूब। सेम ऐसे ओमेगा स्क्वायर की 1 में करोगे कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा में करोगे तो ओमेगा क्यूब, एंड ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर में करोगे तो कितना आ जाएगा, ओमेगा टू द पावर 4। अभी मैंने आपको साइड में नोट करके क्या बताया था कि हमें क्या बताया कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। तो अगर ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से आप देखिए जो हमने कंपोजिशन टेबल बनाई है, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि इसके प्लेस पे हम 1 पुट कर सकते हैं। सेकंड क्या है, ओमेगा टू द पावर 4। अब अगर सॉरी यहाँ पे ओमेगा है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू अगर 1 है और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे आप जरा देखना, ओमेगा की पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। क्यों लिखा हमने ऐसा, अगर हम ओमेगा क्यूब के प्लेस में क्या पुट करें, 1 पुट करते हैं, इंटू में कितना है ओमेगा, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। यानी कि ओमेगा टू द पावर किसके इक्वल है, ओमेगा टू द पावर 4 किसके इक्वल है, यहाँ से ओमेगा के इक्वल है। अब जो 4 प्रॉपर्टीज हैं उनको हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग
नहीं है या नहीं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसमें, क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो सेट आपको गिवन है उस सेट के कोई भी दो एलिमेंट्स लीजिए, सेट के कोई भी दो एलिमेंट्स लीजिए, उनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कीजिए, तो जो एलिमेंट आपको मिलेगा अगर वो भी इस सेट को बिलोंग कर रहा होगा तो इट मींस कि जो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कर जाएगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको सेट गिवन है जी इज इक्वल्स टू दिस। तो इसमें देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए अगर हम कोई भी दो एलिमेंट लिए, सपोज दैट वन और ओमेगा ले लिया, बाइनरी ऑपरेशन क्या गिवन है, मल्टीप्लीकेशन, दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा ओमेगा। अगर ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा ओमेगा क्यूब आएगा। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, वन के, तो वन भी हमारा सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, ओमेगा भी सेट में एग्जिस्ट कर रहा है। और अभी हमने जो कंपोजिशन टेबल बनाई थी उसके अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें कि किसी भी एलिमेंट की अगर किसी भी एलिमेंट में, सेट के किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करें तो हमें जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, सेट के लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कर रही है यहाँ पे, सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ is also a element of set G, of the set G, in a sense अगर हम कोई भी दो एलिमेंट ले रहे सपोज दैट ए और बी, इनके बीच में अगर हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं तो ये किसको बिलोंग करेगा, सेट जी को बिलोंग करेगा। फॉर ऑल सभी के लिए जहां पर ए और बी किसको बिलोंग करेंगे, जी को बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो इट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कर रही है, सेटिस्फाई थस द सेट जी, द सेट जी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। और इसी के साथ में फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, नोट कीजिए। इसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, क्या है सेकंड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो जो आपको सेट गिवन है उसके कोई भी आप थ्री एलिमेंट्स लीजिए, जो सेट आपको गिवन है उसके थ्री एलिमेंट्स लीजिए, उनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कीजिए। तो अगर ए की अगर आप क्या करते हो बी के साथ में बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हो, उसके बाद में सी के साथ में करते हो, तो ये टर्म किसके इक्वल आएगी कि अगर आप बी और सी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हो एंड देन उसके साथ में ए को सॉल्व करते हो तो दोनों साइड कैसी आएंगी, इक्वल आएंगी। तो ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है, तभी तो हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो सबसे पहले हम करके देख लेते हैं, कोई भी तीन एलिमेंट लीजिए, सेट के तीन एलिमेंट्स आपको गिवन है वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो कोई भी तीन एलिमेंट हमने ले लिए ए बी एंड सी, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि वन की मल्टीप्लाई कीजिए ओमेगा में एंड जो टर्म आएगी उसकी मल्टीप्लाई करोगे आप किस में, ओमेगा स्क्वायर में। तो ये साइड किसकी इक्वल आएगी कि अगर आप वन की मल्टीप्लाई करोगे किस में, ओमेगा, और ओमेगा की स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर लोगे तो दोनों साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पे देखिए अगर आप ओमेगा की वन में मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा, ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर में करोगे कितना आएगा ओमेगा क्यूब, सेम ऐसे ही यहाँ पे ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर में करोगे ओमेगा क्यूब और उसकी वन में करोगे तो भी यही टर्म आएगी। और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, तो इसकी वैल्यू भी वन, इसकी वैल्यू भी वन, तो दोनों साइड्स कैसी आ रही है, इक्वल आ रही है। तो इट मीन्स जो सेट है वो क्या कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे
मल्टीप्लिकेशन। और इसी के साथ में आपकी सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, नोट करिए। इसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की कंडीशन क्या कहती है कि अगर आप सेट के किसी भी एलिमेंट की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी एलिमेंट में करते हो तो क्या मिलेगा आपको? वो एलिमेंट ही मिलेगा। और मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर सेट में आपको वन गिवन हो तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? वन होता है ना। तो इसलिए हमें डायरेक्टली पता चल गया कि वन है यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि वन की मल्टीप्लाई अगर आप किसी भी एलिमेंट में करते हो सेट के तो आपको क्या मिलेगा? वो एलिमेंट ही मिलेगा। अगर वन की वन में करोगे तो वन, वन की ओमेगा में करोगे तो ओमेगा, वन की ओमेगा स्क्वायर में करोगे तो ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। लेकिन हमने क्या बनाया, हमारा क्या फाइनाइट सेट है, तो यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? एग्जिस्टेंस ऑफ लेस आइडेंटिटी। इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना। अपने से कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम ये कैसे कंफर्म करेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी, लेफ्ट इनवर्स वाली कंडीशन कब अप्लाई करनी है, और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और इनवर्स वाली कंडीशन कब अप्लाई करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपका सेट कैसा है, फाइनाइट सेट है, तो आपको लेफ्ट इनवर्स और लेफ्ट आइडेंटिटी वाली कंडीशन अप्लाई करनी है। इनकेस अगर आपको गिवन है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप तो आपको ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे आ जाएगी क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी कंडीशन में हमें क्या पता है कि इफ अगर कोई भी एलिमेंट ए किसको बिलोंग कर रहा है, सेट जी को बिलोंग कर रहा है। ए क्या है, इन तीनों में से कोई भी एलिमेंट हो सकता है, वन भी, ओमेगा भी एंड ओमेगा स्क्वायर भी। तो अगर ए जी को बिलोंग करेगा देन आइडेंटिटी एलिमेंट भी किसको बिलोंग करेगा? जी को बिलोंग करेगा। सो अगर हम किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट की मल्टीप्लाई किसी भी एलिमेंट में करते हैं तो आपके पास में जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा? इटसेल्फ भी आएगा। यानी अगर ई क्या है, कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसकी मल्टीप्लाई आप वन में कर रहे हो, ओमेगा में कर रहे हो और फिर ओमेगा स्क्वायर में कर रहे हो, तो टर्म क्या आएगी? वही आएगी जिसकी आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, फॉर ऑल जहाँ पर सभी के लिए ए किसको बिलोंग करेगा? सेट जी को बिलोंग करेगा। यानी कि ए की जो सभी वैल्यूज है वो कहाँ एग्जिस्ट करेंगी? सेट जी में एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, इसके बाद में एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी की कंडीशन से हमें इन्हें क्या लिखा, ए अगर जी को बिलोंग कर रहा है, ई भी जी को बिलोंग कर रहा है, वेयर ई इज द आइडेंटिटी, चाहे आप लिख सकते हो वेयर ई इज द आइडेंटिटी, सो इन अ सेंस ई ए इज इक्वल टू ए, फॉर ऑल ए किसको बिलोंग करेगा? जी को बिलोंग करेगा। सुनना हो, अगर हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि वन ले लेते हैं, तो वन की अगर आप ए में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? ए ही आएगा। ए क्या है, कोई भी एलिमेंट है सेट जी का, तो अगर आप ए के प्लेस पे ओमेगा लेते हो, ओमेगा स्क्वायर लेते हो, तो दोनों ही केस में क्या आएगा? वो एलिमेंट ही आएगा। सो फॉर ऑल सभी के लिए ए किसको बिलोंग करना चाहिए? जी को। तो यहाँ पर वन क्या हो जाएगी? लेफ्ट आइडेंटिटी हो जाएगी। सो वन इज द लेफ्ट आइडेंटिटी, वन क्या है यहाँ पर? लेफ्ट आइडेंटिटी है। ठीक है, नोट करिए। इसके बाद में फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स की कंडीशन क्या कहती है कि सपोज दैट आपने कोई भी एक एलिमेंट लिया, उसकी मल्टीप्लाई अगर आप उसके इनवर्स एलिमेंट में करते हो तो आपको क्या मिलेगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। और अभी हमने एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी की कंडीशन से लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट क्या फाइंड किया है? वन। तो इट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा हमारे पास में? वन होगा। तो वन आना चाहिए अगर हम कोई भी एक एलिमेंट ए लेते हैं, जहाँ पर ए किसको बिलोंग करेगा? सेट जी को बिलोंग करेगा। तो ए की मल्टीप्लाई अगर हम इसके इनवर्स एलिमेंट में करते हैं तो क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी एलिमेंट एक्चुअल में है कितना? वन है। इस क्वेश्चन के लिए क्लियर है ये बात आप सभी को? तो आपको पता है कि अगर हम बात करें एडिशन की, तो एडिशन के केस में अगर हम इनवर्स एलिमेंट लें, इनवर्स का मतलब क्या होता है कि वो वर्ड जो क्या कर दे, कैंसिल कर दे उस नंबर को। यानी कि अगर हम ए ले रहे हैं तो ए का एडिशन के केस में क्या होगा? इनवर्स एलिमेंट माइनस ए, दोनों को ऐड करोगे कितना जाएगा? जीरो। और आपको पता है
देखें तो आपके पास में जो एलिमेंट आएगा वो किसको बिलोंग करना चाहिए, सेट जी को बिलोंग करना चाहिए, यानी कि एलिमेंट क्या आना चाहिए, ई। ई क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि वन। और यहाँ पर फॉर ऑल सभी के लिए ए किसको बिलोंग करना चाहिए, सेट जी को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो अब आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, सपोज दैट अगर आप इस सेट में देखते हो तो ए, ए कोई भी एलिमेंट लीजिए, हमने ले लिया ओमेगा। तो ओमेगा का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे 1/ओमेगा, तो 1/ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा, से ओमेगा कैंसिल आउट, कितना आएगा 1 आएगा। तो 1/ओमेगा जो होगा अगर आप इसकी मल्टीप्लाई ओमेगा में करोगे तो कितना आएगा 1। दैट मींस यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ओमेगा का इनवर्स क्या आएगा तो वो कितना आएगा 1/ओमेगा आएगा, कितना आएगा 1/ओमेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसको कैंसिल करके नहीं दिखाना, 1/ओमेगा इज इक्वल्स टू 1, सो 1/ओमेगा इज द लेफ्ट इनवर्स ऑफ ओमेगा, यानी कि ओमेगा का लेफ्ट इनवर्स क्या है, 1/ओमेगा है। हेंस जी इज अ ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, यानी कि जी क्या बना रहा है, ग्रुप बना रहा है किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, क्लियर है। देखिए इसके बाद में एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क से दिया था, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका आई थिंक लेक्चर 13 में मैंने होमवर्क से दिया था क्वेश्चन करने के लिए। जिन स्टूडेंट्स का हो गया है अच्छी बात है, बाकी कई स्टूडेंट्स को इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, किसी को किसी प्रॉपर्टी में और किसी को किसी प्रॉपर्टी में। तो एक बार इस क्वेश्चन को देख लेना, क्वेश्चन में क्या कहा था आपसे, शो दैट द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ए एंड बी रियल इज अ ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन सी बीइंग अ पॉजिटिव कांस्टेंट। तो क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि आपको शो करके दिखाना है सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, आपको एक मैट्रिक्स का सेट दे दिया। मैंने आपसे बोला था किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले उसको समझना जरूरी है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो उसको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। जहाँ पर ए और बी कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं, यानी कि जो मैट्रिक्स आपको दी हुई है इसमें ए और बी तो कैसे हैं, अच्छा रियल नंबर है। एंड सी क्या है, सी बीइंग अ पॉजिटिव कांस्टेंट, सी क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो आप कुछ भी लाइक कर सकते हो और रियल नंबर्स आपके कोई भी हो सकते हैं। तो सी कांस्टेंट है और ए भी कैसे है, रियल नंबर है, और जीरो को तो छेड़ना ही नहीं, जीरो तो आपका क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा सभी केसेस में। तो अगर आप कोई भी रियल नंबर लेते हो, रियल नंबर आपके कई सारे होते हैं, तो कोई भी अगर आप रियल नंबर लेके इस मैट्रिक्स को बनाते हो तो आपकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैट्रिसेस बन जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है मैट्रिसेस। एक डिफरेंस और समझना, बहुत जगह लिखा होता है मैट्रिक्स और बहुत जगह लिखा होता है मैट्रिसेस, इसका मीनिंग है अगर मैट्रिक्स लिखी है तो ओनली कितनी होगी, 1 मैट्रिक्स होगी, अगर मैट्रिसेस होंगी तो आपकी कई सारी मैट्रिक्स इंक्लूड होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेट है मैट्रिसेस का ये क्या बना रहा है, ग्रुप बना रहा है किसके रिस्पेक्ट में, अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, यानी कि आपको बाइनरी ऑपरेशन क्या गिवन है, मल्टीप्लीकेशन गिवन है, और आपको सेट दिया हुआ है किसका, मैट्रिसेस का, जहाँ पर ए और बी कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं। इसके लिए आपको कंपोजिशन टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या करेंगे, जो आपकी फोर प्रॉपर्टीज हैं उनका सेटिस्फाई कराएंगे, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे सॉल्व, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई भी दो एलिमेंट्स लीजिए ए और बी एंड उनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कीजिए, तो जो एलिमेंट आएगा वो भी किसको बिलोंग करना चाहिए, सेट को ही बिलोंग करना चाहिए। इसको यहाँ पे आप मान लीजिएगा ये मैट्रिसेस का जो सेट आपको गिवन है ये क्या है, जी है, ठीक है। तो लेट यहाँ पे आपको स्मॉल ए दे रखा है, तो ए और बी, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी लेट करोगे, लेट ए एंड बी बी एनी टू मैट्रिसेस ऑफ द सेट जी, ऑफ द सेट जी, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो तो ए और बी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन क्या गिवन है आपको, मल्टीप्लीकेशन। तो ए और बी, तो ए कोई भी एक मैट्रिक्स आप लेट कर लीजिए, लेट लेट ए इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए सी तो क्या है, कांस्टेंट है, और जी आप जीरो आपका एज इट इज रहेगा, ए और बी रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, इनको
जो एलिमेंट आना चाहिए वो किसको बिलोंग करना चाहिए, जी को बिलोंग करना चाहिए। तो ए और बी दोनों मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। मैट्रिक्स ए आपको गिवन है सी ए टू द पावर 1 0, बी 1 सी ए टू द पावर -a1, एंड मैट्रिक्स बी आपको गिवन है सी टू द पावर ए टू बी 2 0 एंड सी टू द पावर -a2। तो अब आप यहाँ पे देखिए ये किसको बिलोंग करनी चाहिए भाई, जी को बिलोंग करनी चाहिए। तो जो दोनों मैट्रिक्स है इनकी जरा आपस में मल्टीप्लाई करना, आप सी इंटू ए वन की मल्टीप्लाई सी इंटू ए टू में करोगे तो टर्म कितनी आएगी, सी ए वन ए टू। यहाँ से आगे यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार, दोनों मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो सी ए वन की सी ए टू में करोगे तो टर्म कितनी आएगी आपके पास में, सी टू दी पावर ए वन इंटू सी टू दी पावर ए टू। इसमें ऐड करोगे, आपको पता है क्या करते हैं, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करते हैं, तो फर्स्ट टर्म की फर्स्ट टर्म में प्लस सेकंड टर्म की सेकंड टर्म में, फर्स्ट टर्म की फर्स्ट टर्म में कर ली प्लस बी वन की मल्टीप्लाई जीरो में करोगे कितना आएगा, जीरो, और जीरो में इसको ऐड करोगे तो ये टर्म आएगी। नेक्स्ट टर्म अगर आप देखोगे सी ए वन की मल्टीप्लाई किस में करोगे, बी टू में, तो टर्म आएगी आपके पास में सी टू दी पावर ए वन इन टू बी टू, प्लस इसमें ऐड कर दोगे आप किसको, बी वन इंटू सी टू दी पावर माइनस ए टू। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म देखिए, इस किस में मल्टीप्लाई करोगे तो भी जीरो, और इस किस में मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना आएगा, जीरो ही आएगा, और जीरो में जीरो को ऐड करोगे तो भी टर्म कितनी आएगी आपकी, जीरो ही आएगी। नेक्स्ट टर्म देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो जीरो, एंड इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो टर्म कितनी आएगी, सी टू दी पावर माइनस ए वन इंटू सी टू दी पावर माइनस ए टू आ जाएगी। तो ये जो मैट्रिक्स आएगी ये भी किसको बिलोंग करनी चाहिए, मैट्रिक्स जी को बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे सी टू क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म्स है, और ए वन ए टू क्या है, रियल नंबर्स है, तो ये सभी एग्जिस्ट कर रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि ये जो नंबर्स आपको गिवन है ए और बी कैसे है, रियल नंबर है जो कि इस मैट्रिक्स के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो इट मीन्स ये जो मैट्रिक्स है इसके भी सभी एलिमेंट क्या कर रहे हैं, सेट जी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो आपकी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी। सो लास्ट में आप लिख दोगे जी इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो इसी के साथ में जो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो गई, नोट करिए। इसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आप लोग क्या करोगे कि कोई भी तीन एलिमेंट्स आप ऐड करोगे, सपोज दैट मैट्रिक्स ए बी एंड सी, हमने कोई भी तीन मैट्रिक्स ऐड कर ली तो उन पे जो मैट्रिक्स होंगे उनके बीच में जब आप बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करोगे तो उस केस में क्या होगा कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसके इक्वल आएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी के इक्वल आएगा। सो वी नो दैट, वी नो दैट यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देंगे इसके लिए द मल्टीप्लीकेशन, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिसेस इज ऑल्सो एन एसोसिएटिव कंपोजिशन, इज ऑल्सो एन एसोसिएटिव कंपोजिशन। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, जो आपकी कंडीशन है वो यहाँ पे शो करके दिखा देंगे, इन अ सेंस ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसके इक्वल आएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी के इक्वल, जहां पर फॉर ऑल सभी के लिए ए बी और सी किसको बिलोंग करेंगे, सेट जी को बिलोंग करेंगे। तो इसी के साथ में जो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए। इसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी। कंडीशन क्या कहती है कि अगर आप किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट की, आइडेंटिटी एलिमेंट की किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करोगे तो वो एलिमेंट ही आपको मिलेगा। सो इसके लिए हम लेट करेंगे, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ द सेट जी
देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, अगर ए हमने क्या की है, कोई भी एक मैट्रिक्स सिलेक्ट की है, सो इस कंडीशन में मैट्रिक्स ए किसके इक्वल आएगी? सी तो आपके कांस्टेंट है और ए और बी कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं, जीरो आपका एज इट इज, तो यहां पे हो जाएगा ए वन माइनस ए वन और ये टर्म हो जाएगी बी वन। तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी की कंडीशन क्या कहती है कि अगर आप किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट की मल्टीप्लाई किसी भी एलिमेंट में करते हो तो क्या आएगा, वो एलिमेंट ही आ जाएगा। तो कोई भी एक आप सेट लीजिए आइडेंटिटी एलिमेंट का, इसके अकॉर्डिंग और वो उसकी मल्टीप्लाई किस में करोगे, आप मैट्रिक्स ए में करोगे, तो वो किसके इक्वल आएगी, आपकी मैट्रिक्स ए के इक्वल ही आएगी। एक बार पहले इतना करिए। सो यहाँ से आगे देखिएगा, कोई भी मैट्रिक्स लीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लीजिए, जहाँ पर जीरो है वहाँ पर तो वो एलिमेंट जीरो ही रहेगा, उसमें आप कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बाकी सभी एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स अकॉर्डिंग क्या लोगे, आप वन लोगे। लेकिन हमें एक्चुअल में इस क्वेश्चन के लिए नहीं पता कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुआ, तो इसको हम क्या लेंगे, ई ही लेंगे, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई किस में करोगे आप, मैट्रिक्स ए में। मैट्रिक्स ए क्या है, सी इंटू ए टू दी पावर वन जीरो, बी वन सी इंटू ए टू दी पावर माइनस सी टू दी पावर माइनस ए वन और इज इक्वल्स टू, में क्या आनी चाहिए, मैट्रिक्स ए ही आनी चाहिए, यानी कि ये वाली मैट्रिक्स ही आनी चाहिए, सी ए वन बी वन जीरो सी टू दी पावर माइनस ए वन, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, ई की मल्टीप्लाई सी इंटू सी टू दी पावर ए वन में कीजिए, तो यहाँ से एलिमेंट क्या मिलेगा आपका, ई इंटू सी टू दी पावर ए वन। ई की मल्टीप्लाई अगर आप जीरो में करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, और जीरो में इसको ऐड करोगे तो यही एलिमेंट मिलेगा, बाकी सेम ऐसे ये वाला और ये वाला तीनों एलिमेंट आप अपने आप निकाल लीजिएगा। ये वाला एलिमेंट तो आपका जीरो ही आएगा, ये दोनों अपने आप फाइंड कर लेना। इधर की साइड आपकी ए वाली टर्म चलेगी जीरो सी टू दी पावर माइनस ए वन, ठीक है। इसको अब आपको सॉल्व करना है, तो इन्हीं दो प्रॉपर्टीज में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ से देखिए जरा, इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके इक्वल आप पुट कर सकते हो। सो नाउ अगर हम e इंटू सी टू दी पावर ए वन को किसके इक्वल पुट करेंगे, सी टू दी पावर ए वन के इक्वल पुट करते हैं, तो इससे ये वाली टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, वन। और e क्या था हमारा, आइडेंटिटी एलिमेंट, वेयर e इज द, वेयर e इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो लेफ्ट आइडेंटिटी कितनी आई हमारे पास में, वन आ गई, तो हम लिख देंगे थस वन इज द लेफ्ट आइडेंटिटी, वन इज द लेफ्ट आइडेंटिटी, ठीक है। इसी के साथ में आपकी थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, नोट करिए। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स में करेंगे तो हमारे पास में क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है वन क्या है, लेफ्ट आइडेंटिटी है। सो लेट ए इज इक्वल टू, ए लेट कर लीजिए कोई भी मैट्रिक्स, सी इंटू ए वन जीरो बी वन सी टू दी पावर माइनस ए वन बी, एनी मैट्रिक्स ऑफ द सेट जी, बी एनी मैट्रिक्स ऑफ द सेट जी, देन अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स की कंडीशन से आपको पता है क्या, कि अगर आप ए की मल्टीप्लाई ए इनवर्स में करते हो तो आपके पास में क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल ए जो है वो हमें क्वेश्चन में मैट्रिक्स में गिवन है, हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, ए इनवर्स और ए, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट, और हमें क्या पता है आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है, वन है, तो हम इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे, वन लिख सकते हैं। अब ए मैट्रिक्स आपको गिवन है क्या, सी इंटू सी टू दी पावर ए वन जीरो बी वन सी टू दी पावर माइनस ए वन। अगर मैं बोलूँ कि इसकी इनवर्स मैट्रिक्स क्या होगी तो वो आप इजीली बता सकते हो, मैम क्या होगी, वन अपॉन सी टू दी पावर ए वन, ऊपर लेके जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस ए वन हो जाएगी, इसको आप लिख सकते हो वन अपॉन बी वन, ये तो आपका जीरो ही रहेगा, और इसको आप क्या लिख सकते हो, वन अपॉन सी टू दी पावर माइनस ए वन लिख सकते हो। अगर हम इनको चेंज करें ये ऊपर जाएगा, ये कितना हो जाएगा, सी टू दी पावर माइनस ए वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वन की पावर
और ये पावर ऊपर जाके कैसी हो जाएगी, प्लस की। अगर आप इसकी आपस में मल्टीप्लाई करते हो मैट्रिक्स की, तो हमारे पास में घर क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। यानी कि जो मैट्रिक्स आनी चाहिए वो कौन सी आनी चाहिए भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आप इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग देखोगे ये आनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार इस मैट्रिक्स को जरा सॉल्व करके देख लेना, इन दोनों मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई करिए। सी की पावर माइनस ए वन, सी की पावर माइनस ए वन अभी बताया मैंने क्या होगा, वन अपॉन सी टू दी पावर ए वन। इसकी मल्टीप्लाई अगर आप सी टू दी पावर ए वन में करोगे, सी कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा वन। इसकी मल्टीप्लाई जीरो में करोगे, जीरो और जीरो में वन ऐड करोगे तो कितना आएगा, वन ही आएगा। सेम ऐसे आप बाकी के एलिमेंट्स की भी करके देख लीजिएगा, आपके पास में मैट्रिक्स ये ही आएगी, एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा। और इधर भी क्या आ रही है, वन जीरो वन वन। तो यहाँ पे ए का इन्वर्स क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो क्या, हैंस सी टू दी पावर माइनस ए वन जीरो बी वन टू दी पावर माइनस वन सी टू दी पावर ए वन इज द इन्वर्स, लेफ्ट इन्वर्स इज द लेफ्ट इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ऑफ द मैट्रिक्स सी टू दी पावर ए वन बी वन जीरो सी टू दी पावर माइनस ए वन। यानी कि माइनस ए वन क्या है, ए टू दी पावर माइनस वन क्या है, लेफ्ट इन्वर्स है किसका, मैट्रिक्स ए का। इसी के साथ में आपकी फोर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। और अगर फोर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो इट मीन्स जो आपका सेट गिवन है मैट्रिसेस का वो क्या बना रहा है, ग्रुप बना रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। और इसी के साथ में जो आपकी फोर, जो आपके दोनों क्वेश्चन थे कंप्लीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन में आपको डाउट था मैंने क्लियर करा दिया, और आपको जो लास्ट क्वेश्चन था वो भी हम इस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। सो आई होप आपको जितना भी करा दिया है ग्रुप में वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल से हम स्टार्ट करेंगे इसमें परमुटेशंस। तो फिलहाल तो आई होप कि आपको इसमें बोरियत महसूस नहीं हुई होगी, काफ़ी अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ सकें और हमारी फैमिली और भी ज़्यादा बड़ी हो सके। एंड अगर आप चैनल पर नहीं हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।